अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ अयोध्या के बहुत चर्चित दयाशंकर दास जी हैं। दयाशंकर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। दयाशंकर जी, एक बात बताइए, आज देश के अंदर रोटी नहीं है, पानी नहीं है, सब्जी नहीं है, उसके बाद भी गाय का दूध जो है वो बहुत क्वांटिटी में नहीं आता है, उसके बावजूद भी रामदेव जी महाराज देसी घी निकाल के बना रहे हैं, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ये रामदेव जी में इतनी उत्पादक क्षमता है कि वो तो बड़े सिद्ध है, भगवा वेशधारी राष्ट्र के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। शायद ये घी वो अपनी योग शक्ति से बना लेते हैं जी। गायें हैं या नहीं है, लगभग होंगी नहीं, जितना घी उनका मार्केट में है उतना घी उनके पास देसी गायों का तो नहीं है, भारतीय गायों का तो नहीं है, वो अपनी योग शक्ति से बना लेते हैं, ऐसा हमारा कहीं ना कहीं ऐसा विचार हो रहा है कि वो अपनी योग शक्ति से बनाते होंगे जी। जी, स्वदेशी भगाओ देसी लाओ उसका उनका नारा है, और उसके अंदर है क्या कि बहुत सारे जितने भी ब्रांड हैं उन सबको, चाहे वो जीन्स हो, चाहे वो टॉप हो, चाहे कुछ भी हो, आप वो सब चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि जो एक स्वामी भेष के अंदर जो योग गुरु थे योग को छोड़कर आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज को ज्वाइन करे जा रहे हैं? देखो, कभी स्वामी रामदेव का जो वक्तव्य आता था या हम लोग देखते थे वो तो एक साधु के रूप में शुरुआत में देखा गया, लेकिन अब लाला के रूप में जब उनका प्रलोभन बढ़ा और मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ उनका एग्रीमेंट बढ़ा, तो अपने ब्रांड से वो दुनिया भर के सामान को बेच रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी जो एक साधुता की परिभाषा थी वो खोते जा रहे हैं। सच्चाई ये है, क्योंकि देखो साधु का तो दर्शन है आत्मत सर्वभूतेषु यः पश्यति सः साधु सः पंडितः, और साधु तो अयम न यः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। एक साधु तो ये पूरे विश्व की सातर्व आबादी के लिए, न्याय के लिए काम करता है, चेतना के लिए काम करता है, उसके लिए स्वदेशी विदेशी कुछ नहीं होता है। एक संत मत तो ये कहता है कि संपूर्ण धरती सुसंतुलित हो, इसमें जो भ्रमित चेतना है उसको शिक्षा विधि से चैतन्यता प्रदान की जाए, उसको विवेक जगाया जाए, क्योंकि ये सारी धरती की जिम्मेदारी हम धरती के चैतन्य प्राणियों की है, जो बेचारा अज्ञानी है, भ्रमित है, उसको जगाया जाए कि तुम शोषणकारी व्यूह रचना करके लोगों का शोषण क्यों करते हो, नेचर का शोषण क्यों करते हो। हम तो इस मत के व्यक्ति हैं, चाहे वो रामदेव हों और चाहे वो एक्स वाई जेड कोई भी हो, हमारा निवेदन है सबसे कि वो लोग मानवीय परिप्रेक्ष्य में मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए संपूर्ण धरती के 7 अरब लोगों को मानवीय दृष्टि से देखें, जिससे पूरी धरती पर न्याय की स्थापना हो, शोषण मुक्त अखंड समाज परिवार मूलक व्यवस्था से संचालित हो, क्योंकि हर जननी जो बच्चे को जन्म देती है वो चाहती है कि उसका किलकारी मारता हुआ बच्चा उसकी आंखों के सामने हंसता खेलता दिखाई दे, कोई भी माता पूरे विश्व में, ऐसा हमारा मंतव्य है कि कोई भी जननी अपने पुत्र को अपनी पुत्री को किलकारी से युक्त देखना चाहती है, वहाँ स्वदेशी विदेशी का कोई हमको कारण समझ में ठीक से आता नहीं जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।